आज वैसे भाइयों एक बात अच्छी होगी कि मैं खाना नहीं खाया, क्योंकि इतना मिट्टी खा चुका हूँ किलो भर ना, दिमाग खराब हो गया मेरा। सो फाइनली गाइस वी हैव मेड इट टू माइटी चांगला। ऑल्टीट्यूड इज 17,688 फीट, बट ये मेरे को खारदुंगला से ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि आगे पीछे 15 किलोमीटर्स का ऑफ रोडिंग तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। सो गाइस वेलकम टू द व्लॉग अगेन, एंड जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि हम लोग पैंगोंग पहुँचे, बिस्किट से स्टार्ट किया था, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ले। हम लोग पास करेंगे चांगला पास, अभी कुछ इस तरीके का सीन है, यहाँ से लगेगा 4 घंटा, टाइम होने वाला है 3 o'clock, और 4 घंटा लग जाएगा तो आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग रात के अराउंड ही पहुँचेंगे। और यहाँ पे पैंगोंग लेक का लास्ट व्यू, इसके बाद में अपन लोग सीधे चलेंगे जो भी चांगला पास का हाइट है, उसमें थोड़ा सा 15 किलोमीटर्स का ऑफ रोडिंग है, मतलब 15 किलोमीटर्स का ऑफ रोडिंग पहले है और 15 किलोमीटर्स का ऑफ रोडिंग बाद में है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा ऑफ रोडिंग है। तो पानी कहीं कहीं ज़्यादा ब्लू है, कहीं सी ग्रीन टाइप से है, तो अलग अलग है। और सारे बाइकर्स जाते हुए, हम लोग काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हैं और अभी लगी हुई है भूख, तो हम लोग टांगस्ते और या फिर दुर्बुक में जाके देखेंगे। टांगस्ते यहाँ से दिखा रहा है 7 किलोमीटर्स, और दुर्बुक उसे जस्ट थोड़ा सा ही आगे है, जहाँ पे भी कुछ खाने पीने का मिल जाएगा रेडीमेड टाइप सा खा लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से चांगला वाली जो चढ़ाई है वो हम लोग चढ़ने लग गए हैं। ये भी मेरे को काइंड ऑफ खारदुंगला वाली जैसी लग रही है, क्योंकि इधर भी अचानक से ही चढ़ान शुरू हो गई है, एंड ऑलरेडी हम लोग जो हाइट पे थे वो था 14,250, और अभी जो चांगला है वो है कुछ 17,000। तो अभी ये आ गया है अपना पहला ब्रिज, जो कि हम लोगों को क्रॉस करना है कारू पहुंचने के लिए, बेसिकली जो कि हम लोगों को क्रॉस करना है चांगला पास पहुंचने के लिए। और यहाँ पे आसपास पूरी स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, नीचे से नहीं दिख रही है, बट ऐसे ही ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, जैसे कि वो आगे हो गया थोड़ा बहुत बर्फ़ पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ऐसा अलग सा है ना, मतलब बीच में पूरा ग्रीनरी है, जैसे कि हम लोग पैंगोंग साइड में भी जा रहे थे तो अपने को ऐसे ही दिख रहा था, तो बहुत सही लग रहा है ये। तो यहाँ पे कुछ तो है, छोटा सा लेक जहाँ पे मस्त सा व्यू आ रहा है। टाइम इज़ मनी बट लाइफ इज़ प्रीशियस, क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग। भाई बंधु अपने यहाँ रुके हुए हैं और अपनी गाड़ी, ओह माय गॉड, 3,799 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, 4,000 हो जाएगा अपने को ले पहुँचते पहुँचते। तो ये चांगला चढ़ने से पहले थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है अच्छा खासा, यहाँ पे बस देख के चलाना जो भी प्लान कर रहा है रिसेंटली, क्योंकि अभी यहाँ पे रोड बनी नहीं है और बन रही है, और ऊपर पूरा स्नोई माउंटेंस है। काफ़ी देर से चल रहा है ये नीच, ऑलमोस्ट मेरे को ये भी नहीं पता कितना किलोमीटर हो गया होगा, बट अच्छा खासा है ऑफ रोड पैच। इसके बाद थोड़ा सा पहले है और थोड़ा सा चढ़ने के बाद है, उसके बाद में हम लोग कारू पहुंचेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चांगला पास, और ये देखो, ओह आफ्टर क्रॉसिंग 12-15 किलोमीटर्स ऑफ रोडिंग हम लोग चांगला पास आ चुके हैं। यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, चाय का चुस्की मारना है तो मार लेंगे, नहीं मारेंगे तो भी चलेगा, बट ये एक्चुअली हम लोगों को खारदुंगला से ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, चांगला बाबा स्थल। अच्छा, ये इसका नाम चांगला पास चांगला बाबा स्थल की वजह से है। सो फाइनली गाइस वी हैव मेड इट टू माइटी चांगला। ऑल्टीट्यूड इज 17,688 फीट, बट ये मेरे को खारदुंगला से ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि आगे पीछे 15 किलोमीटर्स का ऑफ रोडिंग तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और इसका नाम चांगला इसलिए क्योंकि यहाँ पे चांगला बाबा स्थल है, जो कि वहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, और यहाँ पे पूरा आसपास बर्फ गिरी हुई है। इससे पहले था एवलांच एरिया, एवलांच प्रोन एरिया, और यहाँ से अपने को दिख रही है ले के उस पार वाली पहाड़ियाँ, बीच में पड़ जाएगा अपना ले, तो ज़्यादा नहीं है ले की उस पार वाली पहाड़ियाँ है, यो बीच में छुटकू छुटकू जो पहाड़ है वो सब ले है। ये छुटकू छुटकू नहीं है, ये छुटकू छुटकू से हम लोग आ जाएंगे कारू, देन उसके बाद में जो इधर वाला पूरा प्लेन एरिया शुरू हो जाएगा वो वाला है ले।
और अपने अपन लोग जब खारदुंगला चढ़ रहे थे ना हाँ। तो इधर से उस साइड गए थे तो अपने को यही वाला पहाड़ियाँ दिख रहा था। ठंडी भी लग रही है, हड्डी भी लग रही है भाई। हाथ कांप रहा है क्या? बहुत जम गया है। जम गया है क्या? ग्लव्स नहीं पहने थे? प्रेशर शिफ्ट कर रहा था। हाँ। सबसे पहले हाथ और पैर में ऐसे सैडल करके हाथ और पैर को दे रहा हूँ। अरे डिफिकल्ट था भाई, मेरी आरत हिट है, सोचे कैसा लगा ना, बहुत ज्यादा। तो कंटिन्यूअसली तीनों में पड़ रहा होगा। और अपने को चढ़ते टाइम भी ऑफ रोड मिला, उतरते टाइम भी ऑफ रोड मिल रहा है। उधर से जो झंडा लहरा रहा है अपना इंडिया का, वो है चांगला पास। ये खारदुंगला से ज़्यादा डिफिकल्ट है। खारदुंगला बहुत इजी था, खारदुंगला यूँ निकल के हम लोग पता तक नहीं लगा, बट दिस वाज रियली डिफिकल्ट। अपने को पहुंचना भी है, 5:25 हो चुका है, 7 बजे तक सूर्यास्त हो जाएगा और अपने को पहुंचना है उससे पहले ले। ये ट्रक वाला कैसे चला के आ रहा साला। निकल जाने भाई मेरे को, धूल मिट्टी डीजल का स्मेल, बाय गॉड लग जाती है ऐसी जगह। दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे। अपने को रोड मिल गई कसम से, मतलब 5-7 किलोमीटर से ऑफ रोड चल रहा था, दिमाग खराब हो गया। ट्रक वाले आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, सब धूल उड़ा उड़ा के जा रहे हैं। पता नहीं, मेरे को लेंस थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं। अभी भी थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रोड चल रहा है, बट थोड़ा सा आगे सही मिल जाएगा। तो अपने को गूगल एंटी ने एक बहुत अच्छा रूट सजेस्ट किया था, वो ऊपर से वो ऑफ रोड होके दिख रहा है ना, अभी आपको दिखाते हैं रूट कहाँ पे ज्वाइन किया। गूगल एंटी अपने को दिखा रही थी ये रास्ता, और ये रास्ता यहीं पे आके ज्वाइन करता है। क्या बोलते हो, यहाँ से आरा थिएटर आ सकती है? कमेंट डाउन करके बताओ हमें। तो यहाँ पे फिर से ऑफ रोड शुरू हो गया था, मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा मतलब स्टीप है एरिया एंड मिट्टी कंकड़ दोनों है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना आजू बाजू में, वैसा टाइप सा। तो इसलिए बेटर है कि इस टाइम पे व्लॉगिंग छोड़ो और पहले ड्राइव करो प्रॉपर। अभी अपना कंफर्टेबल है तो मैं व्लॉग थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ कि कैसा रास्ता है। बीच बीच में ऑफ रोडिंग मिल रहा है, बट दैट्स फाइन, एक बार बस रोड बन जाता तो मज़ा आ जाएगा बिडू। ऐसी ऑफ रोड देख के एक शायरी हो जाए, हमें तो ऑफ रोड ने पहला रोडों में कहा दम था, फटी तो हमारी तब तब जब ऑल्टीट्यूड कम था। क्योंकि ऑल्टीट्यूड अभी हम लोगों को चल रहा है 14,000-15,000, कुछ 17,000 में कुछ भी लग रहा था आज। वैसे भाइयों एक बात अच्छी होगी कि मैं खाना नहीं खाया, क्योंकि इतना मिट्टी खा चुका हूँ किलो भर ना, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। ये सारचू पार्ट 2 चल रहा है यहाँ से, मतलब चांगला का लिटरली रोड बहुत ख़राब है। और यहाँ पर ऐसा सीन है कि ये डबल लेन कर रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा साइड दे दो भाई, थोड़ा साइड दे दो। काम तो चल रहा है जोरों शोरों से, बट अगर पैंगोंग लेक जा रहे हो तो खारदुंगला होके उधर से राइट मुड़ जाओ, ज़्यादा बेटर है। लग गई ऑफ रोडिंग करते करते। तो भाई लोग सीन ऐसा है कि ऐसी रोड मिलेगी जो ऊपर बन रही है, अभी कुछ दूर तक ही कंप्लीट हुई है, बट आई होप नेक्स्ट ईयर तक शायद बन जाए। मेरे तो पूरा आँखों में मिट्टी जा रखा है इतना ज़्यादा, क्योंकि इस साइड देख रहे हैं ना तो वाइज़र बंद करके पूरा रोड विजिबिलिटी नहीं है, मतलब ख़त्म हो जा रही है। यहाँ से ले रह गया है 55 किलोमीटर्स, कारू रह गया है 20 किलोमीटर्स। कारू के बाद में स्ट्रेट रोड रहेगा, मस्त एकदम। होटल वोटल देखेंगे और चेक इन करेंगे, उसके बाद में लेंगे ले एक्सप्लोर करने के लिए। आज खाना खाएंगे भर भर के, आज अपन चिकन खाएंगे, 3 दिन से वेज खा रहे हैं। 2 लेन हाईवे वाले रोडों की कीमत तुम क्या जानो राजेश बाबू। हाँ, उनसे पूछो जो चांगला करके आए हैं। 15 ले 50
हरू 15 के बाद में ले 50 तो यू हो जाएगा। अब जाके थोड़ा सा सही लग रहा है, वरना सुबह से तो मतलब एक्चुअली हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैंगोंग साइड में बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग रहेगा, इट वॉज नॉट देयर। काफ़ी सारी रोड अच्छी हैं, तो एक्चुअली ऑफ रोड शिफ्ट हो गया था चांगला में, और चांगला में हम लोगों की लांगला होगी। अब यहाँ पे ले का प्लेन्स जो है वो शुरू हो चुका है, तो अब हम लोग ईजिली पहुँच जाएंगे, अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम हो चुका है 6:21, फ्यूल रेंज 159 दिखा रखी है, अपने पास दो टैंक अभी भी फुल है 5-5 लीटर आराम से। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ले मार्केट आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, ट्राई करेंगे शांति स्तूपा, अगर जा पाएंगे तो ठीक है, नहीं जा पाएंगे तो भी ठीक है। मेन अपने को ये था कि थोड़ा बहुत ले का मार्केट एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे सीधा स्नैक टाइम के बाद में, अभी थोड़ा सा पहुंच के हम लोग स्नैक ना खाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं खारू सिटी, या कारू बोलो, जैसे मर्जी बोल सकते हो, और अभी अपने को दिखा रहा है 35 किलोमीटर। मेन बात अच्छी ये है कि हम लोगों ने जो अंधेरा होने से पहले ही ये सारा चीज़ें कवर कर लिया। तो हम लोग जब ले लास्ट टाइम मतलब जब मनाली से ले कर रहे थे, तो यही वाला रास्ता साथ में चल रहा था, जैसा कि आप लोगों को अभी दिख रहा है, ये उपशी से आता है, उपशी से ले एंटर कर जाते हैं हम लोग, देन यहाँ से आगे चला जाता है। तो ये है थिक्से मॉनेस्ट्री, और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक दो फोटो ले लेंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखती है मॉनेस्ट्री।